अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते यादव, आप कहते हैं? बढ़िया, हम तो बहुत ज्यादा बढ़िया, तो बहुत शानदार, जिंदाबाद। और अभी तुम्हारा भाई है मालेगांव में। तो रात में हम लोग निकले थे 10:30 पे, बस मिली नेशनल बस। हम लोग है आरिफ गार्डन के बिल्कुल सामने, यहाँ पे एक्शन मोटर के पास, यहाँ पे आएगी हमारी बस मालेगांव की। साथ में है हमदा नाम वीडियो। तो हम लोग यहाँ रुके हुए, बस यहीं पर आएगी मालेगांव की। 10:30 बजे का टाइम था, अभी 11 बज गया। हम लोग ने टिकट नहीं लिया, जो बंदे आते जाते हैं ना उनसे मैं पूछा था कि उन लोग बोले टिकट विकट ले मत, पैसा ज़्यादा लगेगा। ऐसा बोले कि 200 रुपये में हो जाएगा। बढ़िया है, हो जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, घर चले आएंगे वापस। 400 रुपये तो भी दूंगा। 18, 13, बड़ी मशक्कत के बाद हम बस मिल चुकी है। एक बस आई थी, उसमें सीट नहीं थी, हम लोग को सीट मिली है अपर। अभी बज रहा है 11:30 और 5:30 बजे मालेगांव पहुँचा है। 300 रुपये लिए एसी बस। ये देखो एसी है, एसी है, यहाँ दिखता है एसी ऊपर। अच्छा एसी ऊपर है, एसी एसी। पहला स्टॉप ली थी शाहपुर में। शाहपुर में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाया, बड़ा पाव। ठीक है जी, तो ये वाला पॉन लिया। शाहपुर में इनका पहला हॉल्ट है होटल पैराडाइज में। बस की बात करूँ तो बस एवरेज है। एसी बस बोल के यार ये लोग एसी भी से चालू हैं, जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं कॉलेज वाले बंदे, वो बोले ठीक ही है एसी। और मेरे साथ में बुक्कर, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंचे मालेगांव। मालेगांव में किए सुबह मस्त नाश्ता। बज रहे हैं 5:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं मालेगांव। थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद आके कैफ के रूम में सो गए। तुम्हारा भाई मालेगांव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हैवी किस्म का स्ट्रीट फूड है, लाला कबाब, सीख मिलती है। सीख भाई बहुत मजे की, बादाम शेक यहाँ का मैं सुना बहुत ज्यादा फेमस है। पिछली वीडियो में मेरे को बहुत रिकमेंड हुआ था। यहाँ पे चाप भी मिलती है, मलाई गोटा योग की लस्सी भी है। हमारा भाई है अभी नया पूरा मालेगांव कैफ के हॉस्टल में है। बड़ा साफ सुथरा हॉस्टल है, अच्छा सफाई करने आते सुबह सुबह। हम लोग है होटल सहयोग और यहाँ पे आए हैं लस्सी पीने के लिए। तो ये है इनका फुल एक ग्लास लस्सी का, जिसमें पहले इन्होंने डाला है एक चाशनी, उसके बाद लस्सी डाले, आइसक्रीम है, टूटी फ्रूटी है, काजू का पीस है। टेस्ट करते हैं इसको, इसे मिला लेते हैं। मजा आ गया। जो लस्सी पी रहे तो उसका नाम था पंजाबी लस्सी। ये एक लस्सी का पूरा ग्लास है, ये है 60 रुपीज ओनली सहयोग होटल पे। कैमरा लस्सी के बाद अब तुम्हारा भाई जा रहा है सीख खीरी और कलेजी खाने के लिए। बान होटल के लेफ्ट साइड, मदीना मस्जिद के राइट साइड सामने ही है टेस्टी पॉइंट पे सीख खीरी। और भाई ये क्या बना रहे हो? कबाब है। क्या क्या है भाई आपके पास? खीरी है, कलेजी है, खीरी कलेजी दिल गोश्त कबाब। आपके पास खीरी है, गोश्त है, कलेजी है, कबाब है। हमने ऑर्डर दिया है एक खीरी और एक गोश्त, क्योंकि गोश्त और खीरी यहाँ की एक बेस्ट है। फैमिली सेक्शन भी ऊपर यहाँ पीछे से, और वहाँ से बच्चा देख रहा है हम लोग खाते हुए। बच्चा हाय कर दो बाबू। जी हमारी यहाँ पे ये गोश्त है और ये है खीरी। तो पहले ट्राई करेंगे गोश्त। गोश्त लेते हैं, चटनी लेते हैं और कांदा लेते हैं। हिंदी सीख के बाद बूटी देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बूटी रहती है, और कहीं इतनी बड़ी सीख की बूटी मिलेगी। ये खीरी है हमारा सीख जी, खा के हो चुका है। वैसे तो लाइन से 3-4 दुकान है, आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हो, मेज़बान के एकदम बिल्कुल बाजू में। अब हम लोग जाएंगे इस्लामपुरे की तरफ से, वहाँ पे है चाप, लाला कबाब और मलाई गोटा। वाले इस्लामपुर में हमजा आलिशान होटल, यहाँ पे लोकल से पूछे चाप कहाँ अच्छी मिलती, तो उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया। ठीक है जी, तो ट्राई करते हैं इनकी चाप। चाट मसाला डाल के दिए, ये देखे ऐसे कुछ गली है। रहा नहीं जा रहा है, क्या बेहतरीन टेस्ट आ रहा है भाई। मेरे हाथ में है इनका एक मलाई गोटा जो 30 रुपए की है। बादाम भी था क्या? बादाम सबसे बेहतरीन चाय
यूट्यूब कौन से चैनल पे डालेंगे? नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी, हाँ मजा आ गई। ठीक है जी, तो अभी हम लोग हैं बदर के बाड़े में और यहाँ पे आया लाला की सीख खाने के लिए, जो कि मालेगांव में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक इंटरव्यू में देखा था 1948 से ये सीख बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे सीख खाते और देखते हैं कैसी है। चले आइए लाला की इडली पे लेके चलते हैं अभी तो। हमारी सीख ये है लाला की सीख और साथ में पाव है, ये है सलाद। तो इनकी सीख जो है बहुत गली हुई है, अभी हमने एक और जगह सीख खाया था, वहाँ गली नहीं थी। भाई पाव दो ना भाई। ठीक है, तो ये पाव सीख पुदीना, ऊपर से प्याज लगाएंगे, ट्राई करेंगे, टेस्ट भी अच्छा है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ये भी टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग जा रहे हैं अब समोसा, मीठा समोसा खाने के लिए। मीठा समोसा पंजाबी समोसे के ऐसा नहीं, यहाँ पे समोसा है सिंगोली की तरह, ये लोग मीठा समोसा बोलते हैं। बात है समोसे की, तो समोसा हर गली हर नुक्कड़ में मिल जाता है, लेकिन हमें कैफ कहीं ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का खा के आदमी मीठा बोलने लगे। समोसा उसके ऊपर इन्होंने डाली है बर्फी, जबरदस्त किस्म की बर्फी दिख रही है मुझे। मीठा समोसा विद बर्फी, मजा आ जाएगी यार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत भाई क्या बात कर रहे हो, जबरदस्त निपट के मिलते हैं आपसे। अभी जैसे ही हम लोग इंटर करे थे ना, वैसे ही मैं देखा था कि इनका समोसा पूरे ट्रे में भरा हुआ था। हम लोग जितनी देर में खाए हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगा का पूरा समोसा ख़त्म, दूसरी ट्रे आ गई भाई। और भीड़ यार नेक्स्ट लेवल, समोसा यार बेस्ट। मीठा समोसा नॉर्मल लोगे तो 18 रुपये का था, बर्फ़ी डाल के हम लोग ने बर्फ़ी डाल के लिया था वो था कुछ 30 रुपये का एक पीस, 30 रुपीज़ वन पीस। और अब हम लोग जा रहे हैं शेक पीने। शेक तो यहाँ हर स्वीट्स की दुकान पे है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बादाम शेक होता है वो अपना स्वीट्स में है, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। हम लोग नयापुरा में और अपना स्वीट्स के पास पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जगह हमने खड़े किया वहाँ पे और यहाँ पे सीट खाली हुई थी तो हम लोग बैठ चुके हैं। बहुत देर से बंदा खड़ा है, ठीक है जब भी मिलता है आपको बताता हूँ। क्या खा रहे बाबू? तुम्हारे भाई का आ गया है बादाम शेक, इससे बड़ा नहीं था, नहीं बड़ा है, 10 डब्बा ले लो, इतना ही बड़ा। अच्छा मस्त है, बच्चे हमेशा सच बोलते। ये मिठाई खाए आए रहे, ये मिठाई खाए आए। ये क्या बात हुई हम जा, मजा आ गया। और ले लो, अभी और भी खाने का ना, बस गुलाब दही दही, अभी दही तो फूल गए। केले की चिप्स तल रहे थे यार भाई। अभी हम लोग आ गए न्यू बस्ती महल स्वीट्स, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे दही। सुबह में देख के गए थे हम लोग यहाँ से। नेम स्पेलिंग CUID सीख गया। अब देखते हैं यहाँ की दही क्या ऐसा स्पेशल है इस दही में। मीठी दही है, मिष्टी दही अगर आपको पता होगा, कैलकाटा में जो ज़्यादा बनती है मिष्टी दही, सेम एज इट इज़ वैसी है। टेस्ट में तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसका कलर भी अलग रहता है। और अभी तो अमूल दूध वाले ने भी निकाल दिया है मिष्टी। तो आज का यह सफ़र हमारा और आपका यहीं तक के है, हम लोग निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:43। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फॉर व्हाटएवर रीज़न तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करके जा सकते हो। नए आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले आना, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बस ढूंढ रहे हैं, बस नहीं मिल रही, मिलेगी
तो हम लोग ट्रक से जा सकते हैं। ये ट्रक का एक्सपीरियंस किया है? नहीं, आज करा देंगे तुमको भी। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सही बात क्या है, मस्ती कर रहे। ठीक है जी, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।